आज हम बात करेंगे विद ऑल न्यू 2022 टाटा के डंपर ट्रक 1212 LP के मॉडल के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस बता दें, जो कि है 24,88,000 रुपीज़। हम जो प्राइस बता रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश टाटा कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप का कांगड़ा में। अब हम बात करें इसके फ्रंट से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हेलोजन के साथ में हेडलाइट्स दिए गए, टर्न लाइट इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्लास्टिक पैनल, सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से अब आपको यहाँ पे प्लास्टिक पैनल देखने मिल जाएगा। टाटा की बैजिंग दी गई है एंड रिफ्लेक्टिव टेप। बम्पर जो आपको स्टील प्लेट से डिज़ाइन की हुआ देखने मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहें तो इसमें फॉग लैंप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पर फॉग लैंप इंस्टॉल करवाने के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर फ्रंट में भी दिए गए हैं, टोइंग हुक यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो आपको टोटल ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो है 245 mm की। फ्रंट एंड रियर में स्टेबलाइजर बार मिल जाती है, साथ में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। ऑल व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। टाटा की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख पा रहे हैं आप। इसका फ्रंट मिरर जो कि ब्लाइंड स्पॉट का काम करता है कवर करने के लिए, यहाँ पे जो स्पेस नहीं दिखता है ड्राइवर्स के लिए, वो यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिरर है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से फ्रंट में जो स्पेस कितना अवेलेबल है वो हर एक चीज़ ड्राइवर इजीली चेक कर सकता है। प्लस हाई माउंटेड लाइट्स वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख पा रहे हैं। इसके साइड में जो मिरर दिया गया है इसके फोर ड्राइवर साइड के ऊपर, यहाँ से अगर देखना चाहे ड्राइवर तो यहाँ पे कितना स्पेस अवेलेबल है वो ड्राइवर इस मिरर के साथ देख सकता है। साइड व्यू मिरर्स एमरोन की, इसमें बैटरी देखने मिल जाएगी और यहाँ से साइड स्टेप्स दिए गए, जिसकी वजह से ट्रक के ऊपर यहाँ पे साइड में चढ़ के अंदर देखा जा सकता है कि कितना स्पेस जो अवेलेबल है। फ्रंट में जो आपको टायर साइज़ मिलता है वो है 9.0020 का नायलोन के टायर मिल जाते हैं, ट्यूब टाइप टायर्स दिए गए हैं। रिफ्लेक्टिव टेप आप यहां पर देख पाएंगे। रेयर व्हील्स की बात की जाए तो इसमें आपको रेयर में भी ड्रम ब्रेक्स मिलती है, साथ में ड्यूअल सेटअप के साथ में टायर्स मिल जाते हैं। और टायर साइज़ सेम देखने में जाएगा फ्रंट टायर की तरह, जो कि है 9.00R20 का। यहां पे आप देखेंगे तो इसकी रेयर टेल लाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केज डिज़ाइन किया गया है, साथ में हैलोजन बल्ब के साथ में टेल लाइट्स मिल जाती हैं। और व्हील्स को लॉक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। हैच के ऊपर आपको टाटा की बैजिंग देखने में नहीं मिलेगी। ये साथ ही में रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल किए हैं, ये जो पेंट फिनिश की है ये लॉन्ग ड्यूरेबल लाइफ के साथ में आती है और काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इसकी डंपर के लोडिंग एरिया को। यहाँ पर आप देखेंगे रेयर मड गार्ड, प्लस इसमें जो फ्यूल टैंक वो यहाँ पर दिएगा, जिसमें कि कैपेसिटी मिल जाती है 120 लीटर्स की। 25 लीटर तक आप इसमें डेफ फ्लूड यूरिया मीन्स फिल कर सकते हैं। और इसके जो इंजन के लिए जो इनलेट पॉइंट है एयर की, वो यहाँ ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी हाई दी गई, जिसकी वजह से अगर आप फ्लडेड एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इजीली ड्राइव कर पाएंगे। टर्न लाइट इंडिकेटर यहाँ पे माउंट किए गए हैं। ड्राइवर साइड के डोर के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से मिरर्स देखने मिल जाते हैं। एंड अब मैं बात करूँ इसके इंजन की, तो इसमें जो इंजन मिलता है वो है 3.6 लीटर NGBS6 टर्बोचार्ज डीजल इंजन, मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 125 BHP का एंड टॉर्क जनरेट करता है 390 Nm। 5-speed गेयरबॉक्स मिल जाता है, प्लस 1 रिवर्स गेयरबॉक्स का टाइप है GBS40। इसमें जो आपको क्लच प्लेट मिलती है वो है 330 mm की। टर्निंग रेडियस है इस व्हीकल का 11.2 meters का। व्हीकल के ऊपर जो वारंटी मिलती है वो है 3 years एंड 3000 hours रनिंग की वारंटी मिलती है कंपनी से। अब मैं बात करूँ यहाँ पे को ड्राइवर साइड में स्पेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, साथ में इसमें यहाँ पे ग्लव बॉक्स स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी दी गई है। इन्फोटेनमेंट स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं, तो म्यूजिक सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं। 12 volt पावर पॉइंट, जिसकी मदद से जो अपना मोबाइल फ़ोन ईजिली चार्ज कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम में जो है वो मिल जाता है आपको USB पॉइंट, और इसमें ऑक्स का पॉइंट भी दिया गया है। प्लस ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए नॉब यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे 10 वॉट का DC मोबाइल फ़ोन चार्जर पॉइंट मिल जाता है, और इसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे सन वाइज़र जो कि दोनों तरफ मिल जाते हैं। यहाँ से आप रेयर के विजिबिलिटी देख पाएंगे लोडिंग एरिया की। इसमें कैबिन लाइट जो आपको LED में मिल जाती है। लोडिंग एरिया को लिफ्ट करना चाहें तो उसके जो कंट्रोल्स है यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे मैटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मिल जाती है। नॉइस कैंसलेशन मैटिंग दी गई है। इसका ये आप देख पा रहे हैं इसका
जैक रोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैक जो इसके पीछे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका जैक दिया गया है। को ड्राइवर के डोर के ऊपर यहाँ पे मिल जाती है मोबाइल फोन स्टोरेज स्पेस, वाटर होल्डर स्पेस दी गई है, और व्हीकल से चढ़ना और उतरना काफ़ी आसान है। एयर कंट्रोल करना चाहें तो कुछ इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर पाएंगे इन वेंट्स को। ड्राइवर साइड में बात करूँ तो ड्राइवर साइड में यहाँ पे आप देखेंगे की फॉग पॉइंट कुछ इस तरह से देखने मिल जाता है। चारों पार्किंग इंडिकेटर्स को एक्टिवेट करने के लिए बटन, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के साथ में इसका एक्सीलरेटर पैडल आता है। तो इसमें जो आपको ड्राइवर साइड की सीट है ये वेट की एडजस्टमेंट के साथ में आती है, मीन्स कंफर्ट इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे ये फंक्शन मिल जाता है। काफ़ी कुशनी सीट दी गई है अगर ऑफ रोडिंग में ड्राइव करेंगे। पीछे फायर एक्सटिंग्विशर देख सकते हैं, ग्रैबिंग पॉइंट एक यहाँ पे दिए गए तो दूसरा वहाँ पे मिल जाता है, जिसकी वजह से चढ़ना उतरना काफ़ी आसान है। क्लच फ्लूइड फील करने के लिए पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, और अगर आप इसका कंफर्ट चेंज करना है सीट का तो आप जैसे कि यहाँ पे 50 देख सकते हैं, तो 50 किलो के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, और जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो घुमाऊँगा तो ये वेट के अकॉर्डिंगली सीट का कंफर्ट जो है इंक्रीज़ होगा। अब बात की जाए ड्राइवर साइड में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी MID, और जैसे ही ट्रक को इग्निशन मोड में लाया जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्यूल लेवल आप यहाँ पे देख पाएंगे, कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस इंजन RPM स्पीड आप यहाँ पे देख पाएंगे, और इसमें जो आपको विजिट वर्कशॉप लिखवाएगा अगर कोई प्रॉब्लम है व्हीकल में, साथ में ऑडोमीटर Trip 1 Trip 2 देख सकते हैं। कंट्रोल जो यहाँ पे दिए गए Trip 1 Trip 2 में क्या एवरेज है, डेफ लेवल कितना है, दोनों ब्रेक सिलेंडर के ऊपर कितना प्रेशर अवेलेबल हुआ आप यहाँ पे बार्स के हिसाब से देख सकते हैं, मींस 2 bar 3 bar 4 bar 8 bar 10 bar कितना है वो, और टाइम, एंड इस बटन को प्रेस करके चेक कर सकते हैं इंजन कितने आवर्स चला है, साथ में Trip 1 में कितना चला, Trip 2 में कितना चला, टोटल कितना चला, ऑडोमीटर वो, बैटरी वोल्टेज, टाइम देख सकते हैं। इसमें आपको हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी जो कि आप अपने व्हीकल के बारे में जानना चाहते हैं। एंड करंटली ये व्हीकल शिपिंग कंडीशन में आया तो इस टाइम पे जो एवरेज दे रहा है वो है 7.8 किलोमीटर पर लीटर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ब्रेक, ड्रम ब्रेक्स को कूल करने के लिए बटन दिया गया है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे BS6 नॉम को डीएक्टिवेट करने का बटन दिया है। एक्टिवेट करने के लिए बटन जो यहाँ पे मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे दी गई इसकी हैंड ब्रेक, गियर शिफ्टिंग स्टिक के ऊपर शिफ्टिंग पैटर्न कुछ इस तरह से देख पाएंगे। तो व्यूज यहाँ पे आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हेल्प बटन, ये GPS के साथ कनेक्टेड रहता है व्हीकल, मीन्स जब भी आप इसके साथ ड्राइव कर रहे हैं तो जो मोबाइल फ़ोन इसके साथ पेयर है उनको ट्रक की करंट लोकेशन, कितनी स्पीड में चला हुआ ट्रक और कहाँ पे खड़ा है, हर एक चीज़ आप इसके ऊपर चेक कर पाएंगे। इसमें आपको हर एक इम्पॉर्टेंट जो मीन्स एक सेफ्टी चाहिए वो मिल जाती है। ABS का फीचर भी दिया गया है इसमें, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये SOS बटन है तो आपके पास नज़दीकी मदद जो वो जल्दी पहुंच जाएगी, और जो मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है उनके पास इसका मैसेज चला जाएगा कि करंट लोकेशन क्या है और वहाँ पे ट्रक के पास जल्दी से जल्दी पहुँचिए। इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते, तो इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और स्टेयरिंग व्हील के ऊपर फिनिश काफ़ी अच्छी है और ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो व्यूज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ़।